इसके बाद हम जो देखेंगे वो है 2.5 जेंडर रोल एटीट्यूड। तो जेंडर रोल एटीट्यूड क्या है? तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि समाज में जो है कि वुमेंस और मैन का जो काम है, एक्टिविटी है, वो अलग अलग है, ठीक है ना। और एंड वुमेन रिगार्डिंग डिवीज़न ऑफ होम हाउस वर्क चाइल्ड केयर एंड पेड लेबर आर रेफर्ड टू एज अ जेंडर रोल एटीट्यूड। तो ऐसे ही मैन और वुमेन का जो एक्टिविटी अलग अलग है, यही जेंडर रोल एटीट्यूड को दर्शाता है या बताता है हमें, ठीक है। जैसे प्राइवेट स्पेयर में क्या है कि फैमिली और डोमेस्टिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? वुमेन के ऊपर है, ठीक है ना। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमेन जो है इसमें अच्छा रोल प्ले करे, क्योंकि उसको ये अच्छे से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनली इन द कंटिन्यूम सीज मैन बीइंग रिगार्डिंग अ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैन को हमेशा से क्या है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है वुमेन के मुकाबले, ठीक है ना। अब ये हम देख सकते हैं बाकी जो हिस्ट्री है इसमें, उसमें भी देख सकते हैं। और वुमेन को है सब सर्वेंट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो मैन को ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है, वुमेन को कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मतलब डिफरेंस है, क्या ये सेक्स के वजह से है? नहीं, सेक्स की वजह से नहीं है, ये बायोलॉजिकल कारण की वजह से ये नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये समाज के द्वारा दिया गया है, ठीक है। वैसे तो इसमें कहा गया है कि मैन एंड वुमेन वुड नॉट बी असाइंड डिफरेंट रोल प्रिज्यूमली बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। तो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन के कारण ये सब चीज़ नहीं है, बट उनको इंटरेस्ट, चॉइस और कैपेबिलिटी के अनुसार है, यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सेक्स इज देयरफॉर नॉट द फाउंडेशन फॉर साइकोलॉजिकल ट्रेट। बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो फाउंडेशन नहीं है साइकोलॉजिकल ट्रेट का, और क्वालिटी जो मैन और वुमेन के अंदर है, ये सब चीज़ें समाज के द्वारा, मतलब जो उसमें इंटरेस्ट है, चॉइस है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उनको सौंपा गया उनको, ठीक है। तो वही चीज़ है, वुमेन क्या है, वुमेन को हाउस मेकर होना चाहिए और मैन को क्या है कि प्रोटेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे ये कंसीडर किया गया। और यही चीज़ क्या है कि इन ये सब चीज़ों में इनके एटीट्यूड को दर्शाया जाता है, इस सब चीज़ के कारण, ठीक है। और जो इंडिविजुअल इस चीज़ से एग्री नहीं है, ठीक है ना, कि डिवीज़न ऑफ लेबर एंड इंस्टेड ऑफ द बिलीव दैट शुड नॉट बी इक्वल डिवीज़न ऑफ लेबर दे आर रिगार्डिंग एज हैविंग जो भी है। तो अभी के टाइम पे वही चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डिवीज़न है ये मैन और वुमेन का जो समाज के द्वारा ही हुआ है, ठीक है ना। और उनके इंटरेस्ट जो है, उनका चॉइस जो है, कैपेबिलिटी जो है, उसके अनुसार हुआ है, और यही चीज़ हमें एटीट्यूड को दर्शाता है उनके, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ स्केल्स हैं जो बनाया गया था एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए, जेंडर रोल एटीट्यूड को। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। पहला जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन स्केल, AWS, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था स्पेंस एंड हेलमेरिक 1972 में, और ये एक सबसे मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज स्केल है, ठीक है ना। सबसे पुराना और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केल है जेंडर रोल एटीट्यूड को नापने के लिए। ये डेवलप किया गया था 1970 में, ठीक है ना। और असेस पीपल्स बिलीफ अबाउट द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ वुमेन। तो ये चीज़ को कि लोगों का विश्वास क्या है, ठीक है ना, और किसके प्रति, ये क्या कहते हैं, बिलीफ क्या है लोगों का, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ वुमेन के प्रति क्या मानते हैं लोग, इस चीज़ को देखने के लिए। इसमें क्या है कि 55 आइटम थे, ठीक है ना। अ ब्रीफ वर्जन ऑफ 15 आइटम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप, इसको डेवलप किया गया। 15 आइटम हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बाय सिंस देन। उस समय इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया इस चीज़ को नापने के लिए। और इसका जो की एडवांटेज है वो यही है, एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन का, कि ये हमें क्या करता है कि अलाउ करता है कंप्रेस टू बी मेड अक्रॉस टाइम कल्चर एंड डिफरेंट कम्युनिटी। तो जो चेंजेस हुए हैं जो भी है उसको नापने में ये हमारी मदद करता है, इसके बीच में तुलना करने की अनुमति देता है कि जो भी ये क्या कहते हैं कहाँ गया कल्चर अक्रॉस टाइम, पूरे जो समय के दौरान जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, कल्चर और डिफरेंट रिस्पॉन्ड ग्रुप,
उन सब की तुलना करने की ये हमें आगे देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये वैसे पूछने वाला है नहीं मुझे जहाँ तक लगता है। और उसके बाद अलग अलग स्केल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइटम ऑन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म इन्वेंट्री, ये भी एक स्केल्स ही होगा मे बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया है, ठीक है ना, कि जेंडर रोल एटीट्यूड, इसको हमने ये ऊपर देखा, ठीक है, कि क्या होता है। और उसके बाद हमने स्केल्स है यहाँ पे, तो अनदर स्केल्स वाज द सेक्सिएस्ट एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन स्केल, ये एक स्केल है, बाय ये बनाया गया था बेंसन एंड विंसेंट के द्वारा 1980 में, मेजर करने के लिए कि व्हाट इज़ नोन एज सेक्सिज्म। तो ये मेज़र करने के लिए उसे जिसे सेक्सिज्म के रूप में जाना जाता है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें ये आइटम्स रखे थे इन्होंने, कितने आइटम्स रखे थे टोटल, इन्होंने इसमें रखे थे 40 आइटम टोटल, ठीक है ना, ये नापने के लिए कि जो मतलब वुमेंस है, ठीक है ना, वो क्या है कि हीन है, ऐसी कुछ है। तो ये चीज़ उसमें नापने के लिए कि कितने लोग इसको सपोर्ट करते, सपोर्ट फॉर मैन हैविंग ग्रेटर राइट एंड पावर, सपोर्ट फॉर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ग्रेट होस्टिलिटी टुवर्ड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, और जो है कि लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द वुमेन्स मूवमेंट यूजिंग, जो भी है ये सारे चीज़ें हैं। उसके बाद एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म इन्वेंट्री, ये भी एक स्केल है, यही बनाया गया था। और इसके जो आइटम्स है कुछ यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइटम ऑन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब स्केल है, होस्टाइल एंड बेनविट सेक्सिज्म आर सेड टू डिफर ऑन थ्री मेजर डायमेंशन। तो तीन मेजर डायमेंशन, तो तीन डायमेंशन पे ये डिफरेंट है, ठीक है। वो कौन कौन से डायमेंशन हैं यहाँ पे, तो पैटर्नलिज्म, जेंडर डिफरेंशिएशन एंड हेट्रोसेक्सुअलिटी विद ईच कंपोनेंट हैविंग अ होस्टाइल एंड बेनिवोलेंट एस्पेक्ट टू इट। तो इन तीनों पे क्या है कि ये अलग अलग है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये सब स्केल्स है ये जो एटीट्यूड नापने के लिए, ठीक है ना, बनाए गए थे, तो आप देख सकते हो। और बाकी और कुछ है नहीं इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें से पूछने वाला है नहीं वो। और अगर पूछेगा भी तो आप ये दो तीन पॉइंट इसमें से याद रखना कि किसने बनाया था और कब बनाया था, ठीक है ना, और किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो ये दो तीन टॉपिक हमें याद रखना है। जैसे पहला वाला था हमारा, ठीक है ना, इसमें एटीट्यूड स्किल टेस्ट बनाया गया था और 1972 में, और इसके द्वारा बनाया गया था। और ये बिलीफ जो भी है इन सब को देखने के लिए कि भाई क्या विश्वास है इनका, और ये क्या करता है कि ये हमें ये बताता है कि कल्चर के अनुसार जो ग्रुप में है, ठीक है ना, उसकी क्या मतलब रिस्पॉन्ड ग्रुप है, कैसे डिफरेंट है, जो भी यही सब चीज़ इसने मतलब बताया था। तो ये सब चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं, ज़्यादा इतना डीप वो पूछेगा नहीं वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसमें।